हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोनीशा ब्लाउज डिजाइन। मैं हूं निशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ब्यूटीफुल सा नेट लहंगा कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है सैटन का फैब्रिक, एक नेट का फैब्रिक जो है 4.5 मीटर। सैटन मैंने लिया है सेम 3.5 मीटर और 4 मीटर में इसमें कैनकन लगाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहले मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। मैंने ये 2 पार्ट में रखा है जो फैब्रिक है सैटन वाला, और जैसे हम अम्ब्रेला कट के लिए 4 फोल्ड करते हैं वैसे मैंने इसको कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। यहाँ पर मैं वेस्ट मेजरमेंट लेने वाली हूँ। जितना भी आपका वेस्ट है वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है आपको, और उसमें से आपको 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेकर उसे यहाँ पर मार्क कर देना है। मेरी जो लंबाई है वो है 40 इंचेस, तो मैंने ऊपर 2 इंचेस का बेल्ट आने वाला है। वो बेल्ट 2 इंच का अलग से लगने वाला है, तो यहाँ पर वो 2 इंचेस छोड़ के मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। आपको जैसे जैसे टेप में दिखा रही हूँ मेजर करके, सेम वैसे ही आपको इसे मेजर करना है। पूरे सर्कल में आपको इसे मेजरमेंट कर लेना है। जो भी आपका मार्क है उसे ड्रॉ कर लेना है और पूरा सर्कल आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये हम लाइनिंग के लिए कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा कटिंग हो गया है। नेट वाला लहंगा है, बहुत ही प्यारा ये लहंगा बनकर रेडी होने वाला है। वेडिंग सीजन है तो इस वेडिंग आप इस ऐसा कुछ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है फोल्ड करके ये फैब्रिक रखा है जो नेट का है, सेम उसको भी हम मेजर करने वाले हैं। सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। 2 इंचेस हम लोग बेल्ट का अलग छोड़कर हम इसे मेजर करेंगे। मेरा जो लहंगा है वो 40 इंचेस का रेडी है, तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस छोड़ के 40 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी। आपकी जो पूरा फैब्रिक था जो 4.5 मीटर था, उसमें से मैंने चोली का पोर्शन अलग करके जो बचा वाला पूरा बचा हुआ जो पूरा फैब्रिक था उसका मैंने ये कट करके लहंगे के लिए पार्ट बनाया है। इसे आपको सिंपली चुन्नट रख देना है, जिसे आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम लेने वाले हैं नेट वाला पोर्शन। जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे आपको वेस्ट के अकॉर्डिंग छोटी छोटी चुन्नट इसमें छोटी छोटी प्लेट्स इसमें लगाकर जाना है। और ये जो प्लेट वाला पोर्शन है वो नेट वाला पोर्शन हम सैटन वाले फैब्रिक पर स्टिच करने वाले हैं। बीच बीच में आपको इसमें थोड़ा थोड़ा चुन्नट लगाना है, क्योंकि मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये लूज ही रखा है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। पूरे वेस्ट में आपको वैसे ही लगाना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा गाइज ये कैनकन स्कर्ट या लहंगा आप जो भी कुछ बोल सकते हैं बनकर रेडी हुआ है। अब ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मैंने जो सैटन वाला पोर्शन है और नेट वाला पोर्शन है वो दोनों मिलाने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक आने वाला है। तो इसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं कैनकन। आप इसमें कैनकन भी अटैच कर सकते हैं। विदाउट कैनकन का ये ऐसे लुक आ रहा है। कैनकन अटैच करने के बाद और भी प्यारा और अच्छा लुक इसमें आने वाला है। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। अब हम जो ये फैब्रिक है जो मैंने लिया है क्रेप का, ये मैंने लिया था 2 मीटर, इसमें हम कैनकन लगाने वाले हैं। तो ये जो चौड़ाई में जितनी भी इसकी चौड़ाई है वो मैंने लिया था पूरा, इसमें 4.5 मीटर कैनकन मैंने इसमें लगाया है। आपको इसकी लंबाई नाप लेना है जो भी आपका कैनकन है उसकी। तो इसकी लंबाई 21 इंचेस है। नीचे से फोल्ड करके जो भी फोल्ड करने के बाद यहाँ से नीचे से आपको 21 इंचेस पर मार्क लगा लेना है। इससे एक इजी टेक्निक होता है कि आप इजीली इसमें कैनकन जो है वो अटैच कर सकते हो, वरना बहुत ही मतलब ऊपर नीचे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पूरे आगे पीछे दोनों साइड इसमें मैंने मार्क कर लिया है 21 इंचेस पे। तो जैसे ही मैंने मार्क किया है वैसे ही इसको आपको पूरी तरह इसमें सिर्फ छोटे छोटे चुन्नट लगाने हैं। और जो भी हमने कैनकन लगाया है उसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसका लुक और भी अच्छा आए और नीचे तक जो भी है वो प्लेट्स पूरी तरह बनी रहे। तो हमने कैनकन लगाने के बाद इसमें अच्छे से प्रेस कर लिया है। आपको भी वैसे ही करना है अगर प्यारा लुक आप चाहते हो तो। तो हमारा तो ये बहुत ही प्यारा कैनकन वाला लहंगा बना है। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो फाइनली गाइज इसका जो हमने कैनकन प्रेस करने के बाद लगाने के बाद लाइनिंग में जो क्रेप वाला लाइनिंग है उसमें कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम इसे और मेन फैब्रिक को जो है वो अटैच करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको आगे इसे कैसे अटैच करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ।
ये प्लेटेड जो है वो लहंगा बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे जो मेन फैब्रिक है जो चुन्नट लगाकर हमने सैटन में लगाया था नेट वाला फैब्रिक वो और जिसमें कैन कैन लगा हुआ है उसे हम वेस्ट की ओर से पूरी तरह चारों ओर से इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे आपको छोटे छोटे अस्तर का जो फैब्रिक है उसमें चुन्नट लगा देनी है और इसमें मैं बनाने वाली हूँ 2 इंचेस वाला बेल्ट। इसमें आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं और आप इसमें जो है डोरी बांधने वाला भी लगा सकते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा फाइनल लुक कैसा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिए। इसका चोली वाला वीडियो भी मैं कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें ढेर सारा प्यार दीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें मैंने अटैच किया है ये कैन कैन पट्टी और अंदर से लगाया है कैन कैन। तो बहुत ही प्यारा लुक इसका आया है नेट वाला लहंगे का और अच्छे से कैन कैन की वजह से अच्छे से ये दिख भी रहा है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। कम कपड़े में भी आप इसे कैन कैन लगा कर अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तब तक के लिए बाय बाय।